गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की मॉर्निंग मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। आज मैं 4:30 बजे उठी हूँ और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं। कारण अभी मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने चाय बनने रख दी है क्योंकि आज मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना है तो वो जल्दी निकलेंगे। इसके लिए मुझे चाय नाश्ता तैयार करना है और मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू तो मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि तैयारी नहीं हो ना तो अपने अक्सर लेट हो जाते हैं, तो मैंने कहा आलू तो बॉईल करके रख लेती हूँ तो सुबह खाली बनाने का ही रहेगा। और ये देखिए मैंने आलू छील के भी रख लिए हैं। बस अब इसको मैश करके इसमें जो भी बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ और बस उससे मैं सैंडविच बनाऊँगी। और चाय मेरी पक रही है क्योंकि पापा को सुबह मॉर्निंग में चाय चाहिए होती है, पर आज उन्होंने चाय नहीं पी, नाश्ते के साथ ही चाय पी थी। मैंने चाय कम रखी थी, मुझे लगा पहले वो चाय पियेंगे फिर उसके बाद नाश्ते के साथ और चाहिए होगी, पर वो कहते हैं ना सुबह सुबह ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती है पर खाली पेट भी नहीं निकल सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक मतलब स्वादानुसार, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, लाल मिर्च नहीं डालूँगी, हरी मिर्च और हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, बस इतनी चीज़ें डालती हूँ। और मटर भी डालूँगी, जो मेरी मटर मैं दिखाऊँगी आपको। मैं ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ स्टोर करके, काफ़ी सर्दियों में जब मटर बहुत अच्छे आते हैं उनको छील के हम लोग बॉक्स में करके रख लेते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं साल भर तक, जब तक फिर से स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे चलते रहते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरी स्टफिंग तैयार हो गई और मैंने ये ब्रेड भी निकाल के रख लिया और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये मेरी सैंडविच भी बन गई है, तो देखिए कैसी लग रही है। और यहाँ पे हम लोग भी कहीं बाहर जा रहे हैं, एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और देखिए ये रास्ता हम लोग हैं ना आज रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं, तो अभी तो हम निकले ही हैं, जैसे स्टार्ट हुआ अपने सोसाइटी से निकले हैं, थोड़े ही आगे आए हैं। जाना था वहाँ हम पहुँच गए हैं। और देखिए डेकोरेशन बलून का कितना अच्छा किया है। और देखिए जितने बलून आपको दिख रहे होंगे ना शायद उससे उतने तो नहीं, पर काफ़ी बलून फूट भी चुके हैं, कुछ फुलाने में फूटे हैं, कुछ लगाने के बाद फूटे हैं, कुछ बच्चों ने शरारत की है। और देखिए बच्चे ना कैप पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं और एक दूसरे की कैप ज़्यादा देख रहे हैं। और यहाँ पे ना दिया जला दिया है, अब है ना टीका होगा फिर केक कट होगा। और ये देखिए बच्चे खा रहे हैं और अपनी अपनी मम्मी को, बड़ी मम्मी को, क्योंकि दो बच्चे हैं यहाँ पे, ट्विंस हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों का बर्थडे है। ये मेरे देवर की लड़की है। और देखो यहाँ पे सोमू भी दिखेगा, धैर देखो पीछे वो फ़ोन लिए दिख रहा है, ये इसकी बड़ी मम्मी है। और ये दीदी है, ये दीदी ने केक कटवाया है, देखिए ये लड़का है और ये लड़की है और ये इसकी मम्मा है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं तो कहीं आई नहीं हूँ, मेरी एक भी पिक नहीं है। तो ये देखिए धैर भी आ गए हैं क्लैपिंग के लिए और ये बलून कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करूँगी क्योंकि अब वीडियो फिनिश होने वाला है, केक कटिंग भी हो रही है। तो ये देखो बलून अपने आप गिर रहे हैं। अब ये है ना मम्मा को खिला रही है केक अपनी और यहाँ बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है। तो आप लोग भी केक खा लीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी नए हैं और जो ऑलरेडी हैं उनको भी प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक